हेलो गाइज, देखिए अभी यहाँ पर कितना कोहरा पड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ देखो कोहरा है। अभी छः भी नहीं बजा है और चारों तरफ देखिए कोहरा कोहरा पड़ा है। मैं आपको पूरा हर तरीके से दिखा दूँ। जिस जगह का नज़ारा है वो है आपका घोड़ा चौराहा, जिसे महाराणा प्रताप चौक बोलते हैं, बांदा डिस्ट्रिक्ट का है। और चारों तरफ अभी कोहरा है। देखिए अभी 6 भी नहीं बजा दोस्तों, 5:40 का समय हो रहा है और देखिए हर तरह चारों तरफ कोहरा है। ये देखिए, लेकिन हम आपको नज़ारा दिखा दे रहे हैं, कितना अच्छा मस्त सुंदरीकरण का नज़ारा है दोस्तों। हमने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई है, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए इतना कोहरा होने के बावजूद भी कैसे लोग यहाँ मतलब चल रहे हैं। देखिए सारे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं और ये देखिए पूरी पब्लिक जो है आ रही है। और सर्दी का मौसम है इसलिए कोहरा बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे कहाँ जानेंगे, बैठ जाइए 10 रुपये दे दीजिए। बैठ गए? हाँ, कहाँ जाना है? चलिए दोस्तों, हमारी सवारी भी आ गई, अभी हम देखते हैं कहाँ जाना है। कोहरा बहुत ज़्यादा, कहाँ जाना भैया? आपको कहाँ जाना है? मुझे आगे ब्रिज के पास उतार। ओके, चलिए ये देखिए हमारा रिक्शा है, अभी हम लोग जा रहे हैं ओवर ब्रिज की तरफ। शाम हो गई है और हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो साथियों अभी कोहरा बहुत है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है और ये हमारा रिक्शा एकदम बन बना रहा है। देखिए इस तरह कैसे जा रहा हूँ, ये मेन रोड है। कहाँ जाएंगे? कटरा नहीं, उधर से चलेंगे ब्रिज के नीचे से। बहुत ज़्यादा दोस्तों कोहरा है, अभी ठंडी है और मौसम देखो हर तरह की। ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ये हमारा जो है पुलिस अधीक्षक बांदा का जो है अपना ऑफिस है। और मतलब ठंडी भी बहुत ज़्यादा है हर जगह, तो इसलिए हम आप लोगों से सबसे बोलते हैं कि आप लोग ठंड में जो है अच्छे से अच्छे और सर्दी के लिए कपड़े बढ़िया मस्त पहनिए, ताकि आपको ठंडी ना लगने पाए, क्योंकि ठंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं रिक्शा चला रहा हूं तो मुझे मालूम चल रहा है कि कितनी ठंडी है, क्योंकि हमारे धड़कने तेज़ हो रही हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी भी धड़कने तेज़ हों, है ना। तो गाइस हमारी इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करिए और आप लोग देखते रहिए जो है, और हमारे इस चैनल में बने रहिए शीतल मस्ती में। आपको हर डेली बाई डेली रेगुलरली हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे और बहुत अच्छा नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका राज दरबार रेस्टोरेंट। आज के समय ठंडी बहुत है, आज ये लीजिए ठंडी बहुत है। ये दोस्तों राज दरबार है और ये फ्लाईओवर है और देखिए बढ़िया मत लोग धीरे धीरे कपड़े किताबे हैं। तो पंडित जी ग्राउंड है, एक नंबर, आप दो नंबर चलो ना, ठीक है भाई। कहाँ जाएगा? दो नंबर, इनको संकट नहीं रहे तो मुक्तिधाम जाना, दूर पड़ जाएगा भाई। दोस्तों अभी हम ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं। सुई देखो, हमारा रिक्शा अभी देखो बहुत काम में है और हम लोग चल रहे हैं ब्रिज के नीचे। नीचे हमारी गड्डी जा रही है दोस्तों, देखो ऊपर ब्रिज जा रहा है और नीचे से हम चल रहे हैं। अभी दोस्तों प्रदर्शनी चल रही है और जो कि हम आपको प्रदर्शनी दिखाएंगे और हम आपको ऐसे शख्स से भी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने देखा नहीं होगा, जिनका नाम है हमारे शकुंतला कॉमेडियन जी हैं, उनका शकुंतला नाम है। तो हम आपको उनका पूरा रिव्यू, ये दोस्तों देखो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे का पोर्शन है और हम लोग जा रहे हैं अभी संकट मोचन। चलिए वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखा देते हैं, बने रहिए हमारे इसी ब्लॉगिंग में और देखते रहा करिए दोस्तों, देखते रहा करिए। ये
एक रिक्शे वाले को भी आगे बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो अच्छा लगता है दोस्तों, और दिल में बहुत खुशी होती है कि हमारा वीडियो व्यूज़ बहुत ज़्यादा जा रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, और आप कोशिश करें कि हमारी वीडियो को पूरी देखते रहा करिए। और एक रिक्शा वाला भाई है आपका जो कि आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। देखो ये हम आ गए ओवर ब्रिज के नीचे, कचहरी है ये, कचहरी के नीचे आ गए दोस्तों। और ये है हमारा, इधर जाता है रोडवेज दोस्तों, इधर रोडवेज है। और ये देखिए पूरा, ये है हमारा कचहरी का मेन तिराहा, और ये है ओवर ब्रिज फ्लाईओवर यानी नीचे का पोर्शन है। और अभी हम लोग संकट मोचन पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग संकट मोचन पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ये है तहसील दोस्तों, ये तहसील है हमारा, और तहसील के चारों तरफ ऐसी ऐसी दुकानें लगी हुई हैं। कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। मतलब दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और मेरे चैनल को मेरे प्रिय बंधु मेरे प्यारे भाई सारे लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सब्जी मंडी लगाए हैं, और ये है हमारा अशोक लाट तिराहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप जैसा कि। और यहाँ पर देख कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। देखिए यहाँ पर कोहरा पड़ा हुआ है, और मतलब नज़ारा भी कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, बना के दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देखिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अभी हम बहुत जल्दी संकट मोचन पहुँचने वाले हैं, संकट मोचन के बहुत ही नज़दीक हैं हम लोग जो है दोस्तों, कुछ ही चंद सेकंडों में हम संकट मोचन जो है पहुंचने वाले हैं दोस्तों। ये आ गया हमारा संकट मोचन का गेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और मैं रिक्शे के माध्यम से रिक्शा चलाता हूं, और रिक्शे के माध्यम से आपको हर जगह का नज़ारा दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये संकट मोचन है, सारे भक्तगण मौजूद हैं, और हम लोग थोड़ा सा एक सवारी बैठाए हुए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा उनको छोड़ने क्योटरा। तो क्योटरा हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ से निकलने के बाद ये वीडियो मेरी बंद हो जाएगी, और इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे दोस्तों अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, दबा दबा कर लाइक किया करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। मुझे पता है आप सब लोग कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग जितने मेरे फेवरेट बंधु हैं सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर ज़रूर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपकी बांदा की हर पूरी न्यूज़ आपको देता रहता हूँ, और ये देखिए पूरी आपको। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ये है आपका संकट मोचन के पास का पेट्रोल पम्प है, जो कि आप देख पा रहे हैं कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा है, और ये पुलिस लाइन चौकी के लिए जाता है। और हम लोग बहुत ही जल्दी क्योटरा तिराहा पहुंचने वाले हैं, वहां से हमारी वीडियो ऑफ हो जाएगी। ठंडी बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग घर जाएंगे, ठीक है, हम लोग घर निकलेंगे, इसलिए हम यही ब्लॉग अपना यहीं तक का ही रखेंगे। अभी हम चला रहे हैं रिक्शा, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, मेरे फेस को देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप मेरे फेस को देख पा रहे होंगे। और अभी हम आ चुके हैं मुक्तिधाम गेट, आ गए हम मुक्तिधाम गेट। चलो दोस्तों, ये देखिए अभी हमको पैसा मिल गया है, और अभी हम इसको गेम में डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और ये हमारा व्यू है, नज़ारा है पूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुक्तिधाम गेट है, और ये हमारा पूरा है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सो थैंक यू, धन्यवाद।